ओके, सो दिस इज़ बेसिकली स्कॉडा का कुशाक का स्पोर्ट लाइन एडिशन, जो आपका बीच का एडिशन आता था. इट्स नॉट द टॉप वेरिएंट ऑफ स्कॉडा कुशाक, इट्स बेसिकली द मिड वेरिएंट ऑफ स्कॉडा कुशाक, जिसको इन लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके स्पोर्ट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आपका हेड यूनिट जो है, दिस इज़ नॉट डिजिटल, दिस इज़ द होल एनालॉग एडिशन, बट प्लेयर प्रॉपर डिजिटल आपका यहाँ पे आएगा विदाउट द नॉब्स वन. अब चिप्स की शॉर्टेज नहीं है तो आपको हर गाड़ी में स्कॉडा की अब प्रॉपर 10 इंच वाला ही प्लेयर में देखने मिलेगा. बाकी ये आपका वायरलेस चार्जर एंड एवरीथिंग इज ओवर हियर. बट बेसिक डिफरेंस जो मुझे देखने को मिला है, दैट इज इन एक्सटीरियर. इंटीरियर वाइज इसमें आपको लेदर सीट्स भी अब नहीं मिलेंगी, दीज आर सॉफ्ट फैब्रिक सीट्स. यहाँ पे भी फैब्रिक टच है, दिस इज नॉट लेदर, नीदर हेयर, दीज आर क्रोम. यहाँ पे आपका नॉर्मल गोल्डन फिनिश की जगह इसमें सिल्वर फिनिश दिया गया है टू गिव इट अ मोर स्पोर्टियर लुक. बट यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील ही मिलने वाला है. दिस इज नॉट द बेसिक स्टेयरिंग व्हील ऑफ द बेस मॉडल, इट्स अ मॉडल अप. रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सनरूफ दे दिया है बेसिकली. अगर आप लोगों को देखना हो तो सनरूफ यहाँ पे दिया गया है, एंड दैट्स अ गुड फीचर. जैसे लोगों को फीचर्स में सनरूफ इज द बेस्ट फीचर दे थिंक देयर इज, तो उसके लिए अच्छा है. नो सनग्लास होल्डर इज व्हाट आई कैन सी, सैड, वेरी सैड. उसके अलावा द आर्म रेस्ट एंड द फैब्रिक सीट्स एट द बैक, एवरीथिंग लुक्स द सेम. एक्सटीरियर की बात करते हैं अब. एक्सटीरियर में जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉप में इन लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया है, ब्लैकआउट कर दिया है टू गिव इट अ डुअल टोन फिनिश. सेम अपन का यहाँ पे साइड में रखे हब कैप पे हो गया है, अलॉयज ब्लैक कर दिए हैं. द क्रोम ग्रिल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू ब्लैक, द होल क्रोम फिनिश बम्पर हैज़ बीन कन्वर्टेड टू ग्लॉस ब्लैक, पियानो ब्लैक ओवर हियर आल्सो, विद द टॉप मॉडल हेडलाइट्स एंड हैलोजन, या दैट्स हैलोजन फॉग लैम्प्स विद द नॉर्मल स्कॉडा बिग एज लोगो. अब रियर में बात करते हैं तो रियर हैज ऑल ऑफ दीज proper emblems in black, Kushaq in black, Skoda in black, TSI in black, and this is something new, piano black gliding, same goes over here. Let's open the, yeah, now let's see if it has the subwoofer. No, it does not, sadly. There's no subwoofer in this car. Get it installed aftermarket if you can, if you want. And that's the basic. That's quite basic. It's nothing new. Same as before, but a whole chrome delete has happened. That's all I can see. That's all the difference I can actually observe in this car. Interior wise, there is nothing changed. And that's about it. So, this was the review for the Skoda Kushaq Sportline, recently launched on 6th of September.